और देखिए सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर जो आप देखेंगे उसका काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूं, खबर आ रही है पुलवामा से, वहां पर एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। अभी की बड़ी खबर बताऊं, पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। तो पुलवामा से अभी की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के निहामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को अभी घेरा हुआ है। तलाशी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, गोली चलाई गई, उसके बाद से निहामा इलाके में इन आतंकियों को घेर लिया गया है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ, अखिलेश देखिए ये मुठभेड़ अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जिस घर में ये मिलिटेंट छुपे हुए थे फायरिंग के दौरान इसमें आग लग गई है और यही माना जा रहा है कि जो मिलिटेंट अंदर अभी भी छुपे हुए थे वो आग की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से अभी किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि कोई भी शव बरामद नहीं किया गया है। लेकिन आज सुबह तड़के से जब ये गोलीबारी शुरू हुई थी तो सुरक्षा बलों का यही कहना था कि जो खबर मिली थी, जो जानकारी मिली थी, 2 से 3 मिलिटेंट के निहामा के इस इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद रात में कॉर्डन लगाकर आज सुबह तड़के तलाशी अभियान शुरू किया गया और उसके बाद जब दोनों ओर से गोलीबारी हुई तो यह एनकाउंटर शुरू हुआ है। और अभी की जानकारी यह है कि यह घर जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे, आग लग गई है इसमें और अंदर से फायरिंग फिलहाल रुकी हुई है। सुरक्षा बलों का घेरा जो है वो अभी भी बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में लश्कर से जुड़े 2 या 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया था जो कि अभी अंतिम चरण में है क्योंकि सुरक्षा बलों का यह कहना है कि अब दोनों ओर की गोलीबारी रुक गई है और आग बुझाने की कोशिश यहां पे हो रही है ताकि उन शवों को या हथियारों को बरामद किया जा सके जिनके होने की संभावना इस घर के अंदर है। ठीक है आसिफ कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और एक बार फिर से दर्शकों को मैं बता दूं, एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे, 19 घंटे और 36 मिनट का वक्त बचा हुआ है, पहला रुझान आपके सामने होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।